हेलो गाइस, वेलकम। अप्रैल 2019 के 65 करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट सेकंड में आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम 35 वन लाइनर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर जाकर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन से। विच कॉलेज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूट्स रिलीज बाई MHRD? MHRD ने हायर इंस्टीट्यूट्स की एक नेशनल रैंकिंग तैयार की है और उसमें फर्स्ट पोजीशन जीती है मिरांडा हाउस ने, याद रखिएगा। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन टू गेट ग्रीन ISO सर्टिफिकेशन? देखिए, ग्रीन ISO सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले गुवाहाटी के स्टेशन ने जीता, और RRB क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चंस मानिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हु हैज़ बीन नेम्ड एज फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट द ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड्स 2019? तो ESPN इंडिया के मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2018 में PV सिंधु ने फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट फियांग विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर जो है वो फियांग विलेज है जो कि फर्स्ट एवर कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट करने वाला विलेज बना है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड मोटरसाइकिल रिवॉल्ट? इंटेलीकॉप वो कंपनी है जिसने इंडिया की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ई मोटरसाइकिल रिवॉल्ट की लॉन्च किया या फिर अनाउंस किया है। विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट? जिस रैंकिंग की अभी हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर पूछा गया हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री, तो उसको IIT मद्रास ने जीता है, उसमें टॉप किया है नेशनल रैंकिंग में। नेक्स्ट, विच टीम टॉप्स द न्यू फीफा रैंकिंग? बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। उगाड़ी इज द न्यू ईयर्स डे फॉर द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। जो लोग आंध्र प्रदेश के हैं वो शायद जानते भी होंगे, पर बाकी के लिए नया क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर का जो पहला दिन है उसे उगाड़ी नाम से मनाया जाता है। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से। डेविड मालपास को जो है वो वर्ल्ड बैंक का प्रेजिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहे। हु हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टीजियस जॉन रिक्स कैनेडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड? विक्रम पटेल हैं, उनको ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। कैनेडा ग्रेडनर, उससे आपको याद रहेगा विक्रम पटेल। विच कंट्री हैज कन्फर्ड विद प्रेस्टीजियस जैद मेडल टू नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को प्रेस्टीजियस जैद मेडल दिया है वो UAE ने दिया है, याद रखिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग इंडियाज रैंक्स एट 101 प्लेस। इंडिया जो है 101वें नंबर है फीफा रैंकिंग में, नंबर एक पे है बेल्जियम, अभी आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल बी सेट अप इन विच कंट्री? मलावी में इंडिया और अफ्रीका की मदद से, दोनों से मिलकर एक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट डेवलप होने वाला है, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क? हाल फिलहाल में बड़ा ही ज़्यादा पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, साउथ कोरिया ने 5G मोबाइल नेटवर्क का पहली बार लॉन्च किया है वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू स्टार्ट स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज? पेटीएम मनी ने शुरुआत की है, उसको सेबी से अप्रूवल मिल गया है स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट, विच हैज प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड टिपलाइन टू टैकल र्यूमर्स अहेड ऑफ इलेक्शंस? इलेक्शंस से र्यूमर्स को बचाने के लिए व्हाट्सएप ने टिपलाइन नाम की एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वाश प्लेयर टू एंटर टॉप 10 ऑफ PSA रैंकिंग? सौरव घोषाल जो है वो टॉप 10 रैंकिंग में स्क्वाश की बात की जाए तो उसमें एंटर कर चुके हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेफ्रॉन स्वॉर्ड्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स? मनुषी सिन्हा रावल ने ये बुक लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात की जाए, सेवरन स्वॉर्ड्स नाम से इसका टाइटल है, थीम है सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस टू इन्वेडर्स। नेक्स्ट, रिसेंटली ओपेंड मैत्री ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? मैत्री ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? तो इंडस रिवर पर जो है मैत्री ब्रिज का निर्माण हुआ है। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर टू चार्ज फॉर UPI यूज? कोटक महिंद्रा ने UPI यूज के लिए पहली बार लेंडर्स को चार्ज करने की बात की है। वॉट इज द लिमिट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMS सेट फॉर H1 ऑफ 2019-20 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो
75,000 करोड़ की जो है वो लिमिट रखी गई है वेज एंड मींस एडवांसेस की H1 ऑफ 2019-20 के लिए गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से. इंडिया टीम्स फिनिश्ड विद ए टोटल ऑफ हाउ मच गोल्ड मेडल्स एट द एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन ताइपे. तो ताइपे में हुई एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 16 जो है गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं. विच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. तो इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, आप लोग शायद जानते ही होंगे. इंडिया विल बाई 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री. तो USA से इंडिया जो है 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाला है. इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से. रिसेंटली कंधमाल हल्दी गेट्स GI टैग. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? उड़ीसा. GI टैग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने परीक्षा में, याद रखिएगा इसको. हु टुक ओवर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो मनु सानी ने जो है ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव पद को संभाल लिया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड? विनोद दसारी जो है वो रॉयल एनफील्ड के CEO बनाए गए हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को पाने के लिए. हु हैज वॉन द मियामी ओपन 2019? रोजर फेडरर ने मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता है. विजया बैंक और देना बैंक हैव बीन मर्ज विद विच बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो चुका है. बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंकिंग के दृष्टि से अगर देखी जाए. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ICICI सिक्योरिटीज? तो विजय चंडोक को ICICI का सिक्योरिटीज का हेड बनाया गया है. तो ये इस तरीके के 65 क्वेश्चन जो कि अप्रैल मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं हम. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं क्योंकि रेलवे का एग्जाम बहुत ही करीब है. ये वीडियोज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि अपडेट्स आप तक पहुंचा. इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको RRB से जुड़ी हुई अपडेट्स और मटेरियल मिलता रहे. तो अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.